सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है और मैं आपको बताऊंगा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। दोस्तों मैंने फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स और पोएम्स के वीडियो बना रखे हैं और मैंने इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ऑप्टिमाइज रखा है ताकि आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करने में आसानी हो। दोस्तों मैंने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ जेंसी डिफरेंट फ्रॉम सोफ़ी, मतलब जेंसी सोफ़ी से कैसे डिफरेंट है। तो जेंसी एक डाउन टू अर्थ गर्ल है जबकि सोफ़ी एक ऐसी गर्ल है जो कि अपने ड्रीम्स में ही रहती है। वो चाहती है कि वो एक बुटीक खोले और एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर भी बन जाए, जबकि जेंसी को पता है कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है और उसे यह भी पता है कि उसे आगे जाकर एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, तो वो ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और ये आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, मतलब जो डगलस को पानी का डर था उसने उसको कैसे दूर किया और उसने क्या अरेंजमेंट किए जिससे वो दूर हुआ। तो डगलस जब भी पूल में अकेला जाता था तो उसका जो ओल्ड पानी वाला फियर था वो वापस ताज़ा हो जाता था, तो उसको दूर करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ जाता है और वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड से वो पानी में छलांग मार लेता है और फिर वो वहाँ पर 2 माइल्स तक तैरता है, इससे उसका सभी पानी का डर दूर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, वॉट मेड गांधी टू मेक दिस रिमार्क, मतलब गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी ने उस वक्त लॉयर्स का ट्रस्ट जीत लिया था, सभी लॉयर्स गांधी जी के साथ खड़े हो गए थे क्योंकि पहले लॉयर्स को एक मिसकंसेप्शन था और जैसे उनको पता चला कि गांधी जी बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेंट है उन किसानों के लिब्रेशन के लिए, तो सारे वकील गांधी जी के साथ हो गए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस आंसर को एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, गांधी जी सेड दिस वर्ड्स व्हेन ही वॉज एबल टू विन लॉयर्स ट्रस्ट, अर्लियर दिस लॉयर्स हैड सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट गांधी बट एज दे सॉ हिज डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द पीजेंट्स लिब्रेशन दे केम इन हिज फुल सपोर्ट। तो दोस्तों ये बेसिकली एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें 30-40 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो हमें यहाँ पर कुछ पोएम्स की लाइन दी गई है और ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सम वाली पोएम की लाइन्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हियर, तो द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हियर आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ देयर वर्ल्ड, तो वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ डल एंड अनप्लीजेंट क्लासरूम एंड इट्स विंडोज। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, तो इसका आंसर है, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर पॉवर्टी स्ट्राइकन एज अगेंस्ट द अदर चिल्ड्रन हु आर हेल्दी एंड हैव ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन पेंटेड विद अ फॉग, तो इसका आंसर है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज डार्क एंड अनसर्टेन, क्योंकि जैसे हमारा फोग होता है जो कि डार्क और अनसर्टेन होता है वैसे इन चिल्ड्रन का फ्यूचर भी डार्क और अनसर्टेन है। दोस्तों एग्जाम में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ही आते हैं, तो आइए मैं आपको इसका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारे पास वर्ड रेड ट्रैप है वो कैसे ह्यूमन की करंट कंडीशन को प्रेजेंट करता है। तो पेडलर ये मानता है कि ये संसार भी एक बड़े से रेड ट्रैप की ही तरह है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का काम है दूसरे लोगों के लिए बेड सेट करना, मतलब चारा सेट करना, क्योंकि यहाँ पर भी जो अमीर लोग हैं उनके लिए सारी सुख सुविधाएँ हैं लेकिन जैसे ही कोई गरीब इन सुख सुविधाओं को पाना चाहता है ये उसके लिए एक बैट की तरह सेट हो जाता है और फिर वो उस जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है, जैसा कि इस चैप्टर में पेडलर के साथ हुआ। वो जैसे ही मनी के लालच में आता है
वो एक बड़े से फॉरेस्ट में कहीं खो जाता है और तभी वो सोचता है कि ये संसार एक रेड ट्रैप की तरह है, जहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ है वो एक चारे की तरह काम करती है, जिसमें आदमी हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है। और इसीलिए पेडलर आयरन मास्टर को भी ये कहता है कि ये संसार एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और जो भी यहाँ पर लालच करता है वो हमेशा के लिए एक बड़ी सी चूहेदानी में फंस कर रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप इस वीडियो को पॉज कर इस आंसर को आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स के वीडियोस बना रखे हैं और हर वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। और अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो मैंने सभी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिनअप कर रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर उन क्वेश्चन को देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा और अगर वहां पर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको वहीं पर सजेस्ट कर दूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।